मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, घर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करें, और सेशन की शुरुआत करने से पहले दो शब्द मोटिवेशनल कोट यहां दिया गया है, हिम्मत मत खोना अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं उनको करके दिखाना है, मतलब आप दृढ़ संकल्प को लेकर अपना 100% देते रहिए, निश्चित ही आप सफल होके आएंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों को हम लोग सीखने वाले हैं, और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पहला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दिया गया हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों की सूची की घोषणा की गई है। दोस्तों यहाँ पहला विकल्प है 10, दूसरा 5, तीसरा 15, चौथा 8। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर ए सही होगा, मतलब हाल ही में भारत के 10 नए आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। अब अगर हम बात करें कि आर्द्र भूमियां भारत में कितनी हो गई है, तो अभी हाल ही में हमने 49 आर्द्र भूमियां प्लस 5 नई आर्द्र भूमियों को देखा था, और 10 आर्द्र नई भूमियों को और देख ले तो टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या 64 हो गई। दोस्तों रुकना है, अभी इससे भी अच्छी अच्छी बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर ले यहां रामसर साइट की, रामसर स्थल की दोस्तों, तो रामसर स्थल पूछा जाता है किस देश से संबंधित है, तो ये ईरान से संबंधित है। ईरान देश का एक स्थल है जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी में इसी रामसर स्थल पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ, और उसी समझौता ज्ञापन के कारण हम रामसर स्थल के नाम से आर्द्र भूमियों को जानते हैं। आइए और अच्छी बातें सीखें। देखें यहां एक आपको जानना है कि भारत की सबसे पहली आर्द्र भूमि क्या है, तो ये चिल्का झील है दोस्तों, चिल्का झील है। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी देख लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो रेणुका आर्द्र भूमि, जो कि कहां से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से है, यह भी याद रखना है। अब यहीं पे ध्यान रख लें कि भारत की सबसे बड़ी, अगर हमने मित्रों छोटी देख ली तो बड़ी भी देखना चाहिए, तो बड़ी कौन सी है, तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए सुंदरवन आर्द्र भूमि स्थल, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, या भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि स्थल में है। अगर हम बात कर लें मित्रों कि विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि स्थल किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की संख्या है। आइए दोस्तों और अच्छी बातें देखते हैं। तो यहां देखिए हाल ही में जो आर्द्र भूमियां भारत में चिन्हित की गई हैं, इनको एक बार हम रिवाइज कर लें। तो देखिए यहां दिया गया है, पहले जो 5 आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई थी, पहले उनको हम देख लें कौन कौन सी थी। तो वहां से 3 तमिलनाडु की थी, 1 मध्य प्रदेश का, 1 मिजोरम का, हम लोग याद करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले कौन चिन्हित किया गया था, तो पहले किरीकली पक्षी अभयारण्य, फिर पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, फिर उसके बाद पिचवरम। ये दोस्तों पहले 3 तमिलनाडु के ये थे। साथ ही साथ यहां याद रखो, देखो आप पाला मिजोरम, हमने आपको बताया था कि पाला कहां स्थित है, मिजोरम में स्थित है, और ये आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया। तो 3 आपके तमिलनाडु के हो गए, 1 मिजोरम का पाला हो गया, और यहां देखिए दोस्तों ये यहां छिपा हुआ है सांख्य सागर, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित था। अब याद करिए पहले हमने 5 भूमियों को देखा था, 3 कहां से, तमिलनाडु से, 1 कहां से, मिजोरम से, और 1 कहां से, मध्य प्रदेश से। ये हो गया आपका तैयार। अब आइए 10वें के बारे में बात करें। 10 में 6 कहां के हैं मित्रों, इसको भी याद रखिए, 6 कहां के हैं, तमिलनाडु के। कौन कौन है, आप देखिए नाम दिया गया है, कुथन कुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और बेन्नूर आर्द्र भूमि, और बेलोड पक्षी अभयारण्य, और बेंदाथल पक्षी अभयारण्य, और उदयाथर्मपुरम पक्षी अभयारण्य,
ये जो है ये तमिलनाडु राज्य से है जो अब की बार चिन्हित किए गए हैं। और देखिए आपको यहां याद रखना है नंदा झील, नंदा झील कहां से है? गोवा से। अगर हम बात करें सतकोसिया जांच, ये कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। अगर हम बात करें रंगना ठिट्टू अभयारण्य, ये कहां से है? कर्नाटक से। अगर हम बात करें सिरपुर की तो ये मध्य प्रदेश से। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा कि नंदा झील, सतकोसिया और नन्ना ठिट्टू और सिरपुर, ये तीनों कहां से हैं? क्रम से याद कर लीजिए, गोवा, साथ ही साथ उड़ीसा, साथ कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपटा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है और यहां से आपको प्रश्न बनने की संभावना है। अगर बात करें, कहा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपटा किस देश से संबंधित रही, तो यह देखिए हमारा जो विकल्प दिया गया है दोस्तों, पहला भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा पाकिस्तान और चौथा दिया गया है बांग्लादेश। तो यहां हम जाने हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह सही होगा पाकिस्तान से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों है कि ये पहली हिंदू महिला डीएसपी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तो ये मनीषा रोपटा है जो कि संबंधित कहां से है? पाकिस्तान से। आइए अगर हम पाकिस्तान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है मित्रों, ये क्या है? इस्लामाबाद। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो नवाज शरीफ जी यहां के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही साथ अगर हम यही राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें यहां के, तो आरिफ अलवी जी यहां के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। अब यहां से आपको एक प्रश्न याद रखना है कि नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप तुरंत कहिए, नहरों का देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। अब अगर हम यही बात कर लें, हाल ही में बांग्लादेश भी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? आपको याद होगा कि ध्वनि प्रदूषण में विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किस देश में है? तो ध्वनि प्रदूषण सर्वाधिक जो है ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। तो ढाका में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है। अगर हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें, तो मुरादाबाद जो है ये भारत में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। इसे दोस्तों एक अन्य नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। यहां देखिए ये फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला क्या है? डीएसपी है। इनका नाम क्या है? मनीषा रोपटा। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा चिराग योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से? हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। तो यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह संबंधित है हरियाणा राज्य से। हरियाणा राज्य ने हाल ही में चिराग योजना को प्रारंभ किया है। अब यहां हरियाणा से जाने कि इस चिराग योजना का उद्देश्य क्या है। तो चिराग योजना जो है ये EWS जो इकोनॉमिक बीकर सेक्शन, यह कब लाया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2019 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईवीएस को 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। और इन्हीं के लिए शिक्षा में समानता साथ ही साथ प्रोत्साहन प्राप्त कराने के लिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा चिराग योजना को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है शिक्षा को और सुचारू बनाना या शिक्षा को और सरल बनाना। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में हरियाणा से, तो हरियाणा का गठन आपको याद होगा, हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम याद करें हाल ही में मित्रों हरियाणा क्यों चर्चा में रहा, तो दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार
परीक्षाओं में बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात कर लें 35वां सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड 35वां सूरज कुंड मेला कहां आयोजित किया गया, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद, फरीदाबाद में आयोजित किया गया। और इसका फोकस राज्य और फोकस देश आपको याद रखना है, जम्मू और कश्मीर इसका फोकस राज्य रहा, जबकि उज्बेकिस्तान जो है मित्रों ये इसका फोकस देश रहा। अरे आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया दोस्तों, तो ये आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में। कहां याद किया गया, पंचकुला हरियाणा में। और इसमें टॉप या पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो हरियाणा पदक तालिका में पहले स्थान पे ही रहा। अरे रुकिए, अभी और आपको देखना है, इसमें इसका शुभंकर क्या है भाई, तो शुभंकर इसका धाकड़, इसका शुभंकर क्या है मित्रों, धाकड़ आपको याद रखना है। आइए अगर हम एक कर्नाटक के बारे में बात कर लें, क्योंकि योजना से बात हो रही दोस्तों, तो हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको रिवाइज कर लें। अगर हम बात करें समर्थ योजना का संबंध किससे है, तो कर्नाटक राज्य से है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध किससे है, तमिलनाडु राज्य से है। पुराने अगर योजनाओं के बारे में बात करें जो कि हमेशा पूछी जाती हैं, उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया, 1 मई 2016 से बलिया से प्रारंभ किया गया। अगर हम बात कर लें उज्ज्वला 2.0 की, तो 2021 अगस्त में प्रारंभ किया गया महोबा से। अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 2015 में प्रारंभ किया गया हरियाणा के पानीपत से। अगर हम बात कर लें यहीं पर किसान सम्मान निधि योजना, तो 2019 में प्रारंभ किया गया गोरखपुर से। ये सारे प्रश्न दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और अच्छी प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, यह चिराग योजना को आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मेगा सैन्य युद्ध अभ्यास, दोस्तों यहां युद्ध अभ्यास आपको अंडरलाइन करना है, का आयोजित किया जाएगा। अब ये पहला है भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और उसके बाद फिर जापान। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर इसका होगा विकल्प नंबर बी होगा, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब यह हम जाने कि यह किस जगह पर किया जाएगा, तो यह आयोजन उत्तराखंड के औली में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, ये अक्टूबर माह में किया जाएगा। अरे एक क्वेश्चन तो छूट रहा है, वो कौन सा है, संस्करण कौन सा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ये है कि हमारा गलत ना हो प्रश्न, तो ये संस्करण मित्रों जो है ये 18वां संस्करण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इससे पहले 17वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये भी याद रखिए, अलास्का जो कि यूएसए का शहर है, 17वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था अलास्का में। अच्छा अब आगे और देखें, तो भैया ये क्या है, युद्ध अभ्यास है, तो हाल ही में हम लोगों ने बहुत युद्ध अभ्यास पढ़ा है, तो उसको रिवाइज कर लें। आइए देखें, तो रिवाइज करने में हमारा पहले सबसे पहला क्या आता है, अमेरिका से ही कौन कौन सा होता है, तो हम अगर वज्र प्रहार की बात करें दोस्तों, यह भी भारत और अमेरिका के साथ होता है। अरे अभी एक तो छूट रहा है, कौन सा, अरे मालाबार है सर जी, मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये किसके साथ किया जाता है, ये क्वाड देशों के साथ किया जाता है, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। कौन कौन देश, जापान है मित्रों, और कौन है, अमेरिका है, साथ ही साथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है, आपका प्यारा भारतवर्ष है। अगर इन चारों का युद्धाभ्यास पूछा जाए दोस्तों कि क्वाड देशों का युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो वो होने वाला मालाबार है। अरे एक क्वेश्चन और भी छूटा, वो कौन सा है, मिलन युद्धाभ्यास। अरे इसका आयोजन कहां किया गया, इसका विशाखापट्टनम में। अरे याद रखिए,
मिलन युद्धाभ्यास पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है कहां आयोजित किया गया, विशाखापट्टनम में। अरे अभी विकल्प में तो और भी हैं, हाँ तो इसको भी देखो, बांग्लादेश से क्या किया जाता है, कौन सा युद्धाभ्यास, तो बांग्लादेश से संप्रीति, संप्रीति युद्धाभ्यास किसके साथ मित्रों, बांग्लादेश से। अच्छा और भी है कौन, बोंगो सागर, बोंगो सागर, बोंगो सागर युद्धाभ्यास। अरे छोड़ना नहीं है, एक एक को चुन के मानना है। अगला देखो, यहां जापान है, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था दोस्तों एमपीएक्स, याद आया, अरे एमपीएक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किसके साथ, जापान के साथ, और क्या फ्रांस के साथ भी होता है दोस्तों। अरे और भी तो है, हाँ और भी है, कौन, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भी किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है। अरे बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, ऐसे हम लोग देखते सीख जाएंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लो, यहाँ देखिए भारत के वीर जवानों की यहाँ पर फोटो दिया गया है, जिससे आपके अंदर एनर्जी और ज्यादा प्रवाहित हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए अगला देख लें, अगला देखिए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन कंपनी रही। अरे आइए इसका तो पोस्टमार्टम हो जाएगा, देखिए पहला दिया गया है गूगल, दूसरा दिया गया है वॉलमार्ट, तीसरा दिया गया अमेजन, और चौथा दिया गया दोस्तों LIC। अब यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ये विकल्प नंबर भी सही होगा, दुनिया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका वॉलमार्ट है, ये विश्व की सबसे एक की कंपनी है, विश्व की सबसे एक कंपनी है या नंबर वन की कंपनी है। अच्छा तो दूसरे पे कौन सा है, या हम अगर बात करें भारत का कौन सा है, तो भारत का मित्रों याद रखना है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कौन है, LIC है। LIC क्या है, भारत के जो सबसे मोस्ट कंपनी है सूची की, शीर्ष सूचियों की उसमें पहले स्थान पे है, तो इसका स्थान कितना है, इसका स्थान जो है ये 98वां है। अरे भाई तो रिलायंस कहाँ गया है मित्रों, ध्यान दीजिए वो किसके स्थान पे है, 104वां स्थान पे है, कहाँ है, 104वां स्थान पे है। अरे अब इसी LIC से आपको याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा LIC का गठन किया गया था, अरे याद है 1956 अधिनियम 1956, हाँ तो आपको याद होगा इनके प्रमुख कौन है, याद करिए MR कुमार, आपको हमने बताया था MR कुमार जी LIC के क्या है मित्रों, ये अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में, हाँ चलिए तो देखें, यहां अभी हाल ही में हमने मित्रों पढ़ा किसको, सावित्री जिंदल को, याद करो दोस्तों सावित्री जिंदल क्या है, ये एशिया की सबसे अमीर महिला है, एशिया की सबसे अमीर महिला है। अरे इनकी संपत्ति कितना है, याद होगा आपको 11.3 अरब डॉलर है दोस्तों। अब दूसरा एक प्रश्न और भी याद कर लीजिए, हाँ अभी हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला के बारे में बताया गया, अरे याद है ना, हाँ कौन है, रोशनी नाडर है। आइए अगला प्रश्न देख लें, अरे एक प्रश्न और छूट रहा है, वो कौन सा है, विश्व का चौथा अमीर व्यक्ति जो कि भारत से संबंधित दोस्तों, अरे उसको भी जानते हैं, कौन है, गौतम अडानी है। ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर ही सफलता में मदद देंगे और आपको निश्चित ही सफल करके छोड़ेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें, अगला है देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का व्यापारिक घाटा तेजी से कितना अरब डॉलर पहुंच गया, मतलब भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो रिकॉर्ड स्तर तक कितने तक पहुंच गया। अरे मित्रों यहां पे तो हमको डाटा ही याद रखना है, कितना डाटा, तो देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं 31.2 अरब डॉलर, दूसरा 24.3 अरब डॉलर, तीसरा 26.29 अरब डॉलर, और चौथा जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। अरे ऐसा नहीं, इसमें से हमारा जो है वो पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों, कौन सा है, 31.2 अरब डॉलर की क्या है, रिकॉर्ड घाटे पे भारत का व्यापार चल रहा है। अब ये व्यापार प्लस किसके साथ होता है, व्यापार माइनस किसके साथ होता है घाटा, तो हम लोग एक प्रश्न पहले से ही जानते हैं दोस्तों, भारत का व्यापार प्लस
किसके साथ होता है? तो यूएसए के साथ होता है। जबकि एक है उसके साथ, चीन के साथ हमेशा ही हमारा व्यापार घाटे का व्यापार होता है दोस्तों। अरे अभी हाल ही में हमने आईएमएफ का रिपोर्ट भी तो देखा है दोस्तों। हाँ क्यों नहीं, याद है कैसा? अरे मित्रों, इन्होंने आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का जो विकास दर है 8.2% से घटकर कितनी हो गई भैया? ये हो गया आपका 7.4। अरे इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ आइए अगले जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में हमने भारत की एफडीआई के बारे में भी बात किया है कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है दोस्तों? याद है कौन है? सिंगापुर है। अरे गया कहां? सिंगापुर। ये गया कहां भैया? तो ये गया है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में गया है। अब किस क्षेत्र में गया है? तो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में गया है। ये सारे प्रश्न जरूर ही आपको याद रखना है दोस्तों, और ऐसे खेल खेल में हम सारे प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे और जरा सा भी बर्डन नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए सफलता आपके हाथ आके ही रहेगी। आइए अगले प्रश्न को देखें, यहां अगला प्रश्न और ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर हैं? अरे देखो, पहला क्या है? श्रीलंका, जा नहीं सकते। दूसरा क्या है? कंबोडिया। तीसरा क्या है? इंडोनेशिया। और चौथा क्या है? फिलीपींस। हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह है कंबोडिया। कंबोडिया की यात्रा पर है कौन? अरे ये अपने विदेश जो मंत्री जी हैं, यस जयशंकर जी। और कंबोडिया के जो विदेश यात्रा पर हैं, तो किस कितने दिवसीय? दो दिवसीय यात्रा पर ये गए हुए हैं विदेश मंत्री। अरे अभी याद आया, हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री जी और कहां गए थे? हाँ याद है, उज्बेकिस्तान में गए थे। क्या करने? विदेश सचिवों की जो बैठक थी उसको देखने, साथ ही साथ वहां प्रतिभाग करने। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले आने वाले समय में जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी उसकी तैयारी का निगरानी करने के लिए ये गए हुए थे। कौन गए हुए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। अरे अभी आपके हाल ही में हमने प्रश्न के द्वारा बात कर रखा है कि राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम सोलिह जी। कहां आए हुए हैं दोस्तों? भारत में आए हुए हैं। अभी आपको यह भी प्रश्न याद रखना है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की विदेश यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं, ये हाल ही में विदेश यात्रा पर भारत आए हुए हैं। अगर हम बात करें यहां श्रीलंका की, तो यहां भी राजनीतिक उथल पथल होने के बाद स्थिरता दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हाल ही में चुना गया है। अरे नाम क्या है उनको याद रखना है। पहला क्या है राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें तो रानिल विक्रम सिंधे हैं। अगर हम बात कर लें यहां प्रधानमंत्री के रूप में, तो दिनेश गुणवर्धने जी हैं। याद है आपको, और इसको जरूर याद रखना है। अरे भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास भी होता है, कौन सा? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। अगर हम बात करें इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी कन्वर्ट की है, बदली है। वो राजधानी क्या है? तो नुनसन तारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है। हाल ही में तुर्की देश ने अपना नाम परिवर्तित किया है, क्या नाम कर दिया है? तुर्किये। उसका नाम तुर्की देश का नाम हो गया है तुर्किये। और फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला है। साथ ही साथ हमको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कहां स्थित है दोस्तों? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में 44वां शतरंज चैंपियन ओलंपियाड में किस भारतीय महिला ने जीत दिलाई है? अब देखिए, यहां पहला दिया गया कुनोरू हम्पी, दूसरा आर प्रज्ञानंद, तीसरा डी गुकेश और चौथा दिया गया तानिया सचदेव। अरे हमारा इसमें सही जो विकल्प होगा मित्रों, ये होगा विकल्प नंबर डी। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर डी सही होगा। अब हम बात कर लें 44वां शतरंज चैंपियन ओलंपियाड की, तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहां पर आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है? याद रखिएगा, इसका शुभंकर क्या है?
थुम्बी है। अभी हमने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है, धाकड़। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें मित्रों, तब क्या होगा, बी, बीरा। आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम प्रश्न को देखें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें शतरंज से महत्वपूर्ण, तो विश्व शतरंज महासंघ जिसको फीडे कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1927 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय लुसाने। और ये किस देश का शहर है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें यहां पर भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जी जो हैं ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगर महिला की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी थी। अगर बात की जाए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन थे, तो वो विश्वनाथ आनंद जी थे। अगर हम बात करें भारत का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी कौन से हैं, तो डी गुकेश हैं। अगर बात करें विश्व का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा हैं। अगर हम बात कर लें यहीं पर विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए ये दिया गया है तानिया सचदेव का। अगला देखिए यहां दिया गया है हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक दिलाने जिताने वाले पहले भारतीय कौन है। अरे राष्ट्रमंडल का चर्चा जोरों पर है, यहां से आपको कोई प्रश्न न छूटे, आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। पहला क्या है, संकेत महादेव। दूसरा तेजस्वी शंकर। तीसरा दिया गया है आपका सुशीला देवी। और चौथा दिया है लवप्रीत सिंह। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी होगा, तेजस्वी शंकर। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक दिलाया है। अब यहां राष्ट्रमंडल खेलों से याद कर लीजिए जल्दी से, यह भारत में अगर बात करें तो यहां पर पहला राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक किसने दिलाया है, तो मीराबाई चानू। इनका खेल क्या है, तो वेट लिफ्टिंग है। साथ ही साथ बात करें हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है, 1930 ईस्वी से। पहला कब हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। अगर हम बात करें ये संस्करण कौन सा है दोस्तों, तो ये संस्करण 22वां है। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, वर्मिंगहम, जो कि कहां है, इंग्लैंड में स्थित है। अगर हम यही याद कर लें 23वां कहां होगा, जो कि 2026 में होगा। इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देख लें यही कि गोल्ड मेडल में प्राप्तकर्ता के रूप में अगर देखें, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण और भी खेल से संबंधित चीजें हैं जो कि याद रखना है। कौन सा है, जैसे अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था दोस्तों, तो इसमें भारत के पहले सिल्वर पदक विजेता कौन रहे हैं, तो पहले पदक विजेता के रूप में कौन रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा। ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो जेवलिन थ्रोवर हैं चोपड़ा। और इन्होंने कितने मीटर दूरी फेंका था भाला, तो 88.13 मीटर दूरी फेंका था। और इसमें स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन के द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल। और अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो नीरज चोपड़ा जी द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया था, किस खेल में, भाला फेंक में। इसी कारण तो 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, किस रूप में, भाला फेंक दिवस के रूप में। आइए इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों से, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहां देखिए ये फिगर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और यहां देखिए जिन लोगों ने गोल्ड मेडल अभी तक प्राप्त किया है उनके बारे में देखिए, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है 49 किलोग्राम में। अगर जेरेमी लाल निरुंगा की बात करें गोल्ड मेडल 67 किलोग्राम में। अचिंता सेवली की बात करें गोल्ड मेडल 73 किलोग्राम में। वुमेन्स टीम की बात करें गोल्ड
गोल्ड मेडल लॉन्स बॉल में, अगर पुरुष टीम की बात करें तो गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में, और वुमेन्स टीम ने ये 92 वर्ष के बाद पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत के लिए। अरे ऐसा खेल तो और भी है, कौन है इसको जल्दी से रिवाइज कर लें, थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है, अरे एक और है, कौन है, रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीता है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और इसी समय हम आईपीएल को भी देख लें, आईपीएल संस्करण कौन सा दोस्तों, तो ये 15वां संस्करण था, कौन स्पॉन्सर था, इसका स्पॉन्सर टाटा था, और इसको जीता किसने, इसको गुजरात की टीम के द्वारा आईपीएल 15वां संस्करण जीता गया। और अगर हम बात करें अंडर 19 कप किसके द्वारा जीता गया, भारत के द्वारा जीता गया। ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर मददगार साबित होंगे। आइए अगले प्रश्न के रूप में देख लें, और ये सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली महिला कौन सी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला है। 10वां है, लेकिन बहुत खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। यहां देखिए, पहला दिया गया है टीएस त्रिमूर्ति, दूसरा रुचिरा कंबोज, और तीसरा इंदरमीत गिल, और चौथा गीता गोपीनाथ। यहां जो हमारा सही प्रश्न का आंसर है दोस्तों, यह प्रश्न का आंसर विकल्प नंबर बी होगा, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये भारत की पहली महिला है जिनको अस्थाई सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां नियुक्त किया गया है, यूएन में। अगर हम बात करें यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ अगर हम यहां बात करें कि यूएन की कितने शाखाएं हैं, तो यूएन की 6 शाखाएं हैं, और इसमें भाषाएं कितनी बोली जाती हैं दोस्तों, तो भाषाएं इसमें 6 बोली जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम इससे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यूएन महासभा का कौन सा अंग है जो कि यूएसए से बाहर है, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये यूएसए से बाहर है। कहां है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय द हेग में है, मतलब यूएन महासभा के जितने भी भाग हैं उनका मुख्यालय यूएसए में ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय यूएसए से बाहर है, कहां है, द हेग में है। अरे अभी यहां तो और बाकी है, इन्होंने रुचिरा कंबोज ने किसका स्थान लिया है, तो टीएस त्रिमूर्ति का स्थान पे कौन चुनी गई हैं, तो रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। एक प्रश्न और भी देख लीजिए, भूलने ना पाए, इंदरमीत गिल याद आ गया आपको, हाँ याद आ गया, कौन सा, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और ऐसा नियुक्त किए जाने वाले इनका क्रम क्या होगा, ये किस क्रम के होंगे, तो ये दूसरे क्रम के होंगे। अच्छा, तो इनसे पहले भी हैं, हाँ उनको भी याद रखिएगा, कौन से हैं, कौशिक बसु जी जो हैं, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री में भारत की तरफ से नियुक्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और दूसरे कौन है, इंदरमीत गिल हैं। अरे इनको भी नहीं भूलना है दोस्तों, कौन है, गीता गोपीनाथ हैं। आईएमएफ की दीवार पर पहली भारतीय अर्थशास्त्री जिनका फोटो लगा हुआ है वो कौन है, वो गीता गोपीनाथ हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर ही मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में यहां देखिए, रुचिरा कंबोज जी का ये फोटो दिया गया है, और इनको यूएन के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।